सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी इक्वल डी वाई ओवर डी टी, तो ए कॉस ओमेगा टी आता है, और इस ए कॉस ओमेगा टी को हम साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ए ओमेगा, और यहाँ भी ओमेगा रह गया है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एक, ठीक है, तो ये जीरो है ग्राफ, यहाँ से कॉस है तो यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से, ठीक है, तो जीरो। अब यहाँ हमारे पास क्या है, बाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, ठीक है, क्या है वेलोसिटी, ये पॉजिटिव है और नीचे क्या है माइनस नेगेटिव वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, ठीक है, और यहाँ टोटल टाइम इसे टी लग रहा है, तो ये हाफ साइकिल को कंप्लीट होने में टी वाई टू लगेगा, यहाँ जो होगा वो टी वाई फोर होगा, और ये जो होगा थ्री टी वाई फोर होगा। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में वेलोसिटी रखते हुए चले जाएंगे, ठीक है, ओमेगा टी की जगह, और वैल्यू फाइंड आउट करते निकाल लेंगे सभी, ठीक है, तो ये वेलोसिटी को हो गया। ऐसे ही एसिलेशन, एसिलेशन, तो एसिलेशन क्या होता है, एक्चुअल में एसिलेशन होता है डी स्क्वायर बी, नहीं डी बी ओवर डी टी होता है, ठीक, और इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई ओवर डी टी स्क्वायर। तो मतलब एसिलेशन क्या आएगा, उसकी इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ए इक्वल होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है, और अगर हम प्लस में लिखना चाहेंगे इसे तो प्लस में हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, और ये होगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। अब इससे हम आप एसिलेशन निकाल सकते हैं, तो एसिलेशन का जो डायग्राम है बोर्ड ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, अब एसिलेशन आप देख रहे हो माइनस से है, साइन में ही है, बट यहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, यहाँ टाइम कितना लग रहा है टी, ठीक है, यहाँ प्लस एसिलेशन, यहाँ माइनस एसिलेशन, ये ज़ीरो, ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एसिलेशन आएगा वो कितना आ रहा है निगेटिव में, माइनस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये टी वाई टू टाइम है, ये टोटल टी है, और यहाँ कितना हो जाएगा थ्री टी वाई फोर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा टी वाई फोर हो जाएगा टाइम, और ये जो एसिलेशन है यहाँ पर, ये एसिलेशन कितना आएगा, ये आपके प्लस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ये है आपका एसिलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये है वेलोसिटी का। सिमिलरली यहाँ भी वेलोसिटी क्या आती है, माइनस ए ओमेगा, और ये आ गया आपका प्लस में ए ओमेगा, ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है एक्चुअल में डी वाई ओवर डी टी और इक्वल ए ओमेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा एसिलेशन का मैक्सिमम का है, ये मैक्सिमम एसिलेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एसिलेशन मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।